जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। बहुत सारे लोग तलाश कर रहे थे कोई ऐसी शख्सियत के साथ मिलाया जाए जो एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं और घरों के बारे में कुछ मालूम ली जाए, बने बनाए घर जो सेल करते हैं। आज हम आपको पुराना काना 5 नंबर शॉप जो यहाँ पे नया चल रही है वहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे हमारी शख्सियत आज हमारे साथ हैं चौधरी हाजी लियाकत साहब, उनके साथ बातचीत करते हैं और कुछ मालूम फराम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, आप सुना? ठीक ठाक है, खैर खैरियत। बॉस ये बताएं कि आप इस शोबे से कब से हैं? मैं तकरीबन 2005 से इस शोबे में हूँ और एज ए बिल्डर ही काम कर रहा हूँ। अपनी जगह लेके घर बना के बेचता हूँ और इंशाल्लाह मियारी घर होते हैं हमारे। हम पहले ये नहीं कि बुकिंग करते हैं, हम पहले घर तैयार करते हैं, उसके बाद अगले कस्टमर को दिखाते हैं, उसके बाद कस्टमर को पसंद आया तो उससे रेट हम तय करते हैं। हाई साहब ये बताएं कि आपके घर जो है बने बनाए जो घर आप देते हैं सिंगल स्टोरी होते हैं कि डबल स्टोरी होते हैं? डबल स्टोरी घर बनाता हूँ मैं, सिंगल नहीं बनाता जी। बिल्कुल, मैं इधर इस इलाके में तकरीबन यही 5-6 अपना घर बनाता हूँ तकरीबन 2-3-4 महीने में। बिल्कुल, साल में जैसे बनते जा रहे हैं आप सेल कर ही जा रहे हैं। 6-6 मरले घर हैं वो काना 9 में फैसल टाउन में, लेकिन उनकी कीमत जो है ना ज़्यादा 80-90 लाख रुपये कीमत उनकी। ये गरीबों के लिए, यहाँ पर माकूल बंदे आते हैं जो इधर से आते हैं लाहौर वगैरह से। ये तकरीबन 2 मरले का घर मेरा 25-26 का जाता है 4-5 महीने के टाइम पर। अच्छा अच्छा, 5-6 महीने के अंदर पैसे जी जी। अगर उसका बाद जो किस्तों पे कोई 2 साल के टाइम पर ले तो उसको 50% एडवांस लेता हूँ मैं, उसके बाद उसको जो है ना कुछ रेट अप हो जाता है फिर। सर कितने परसेंट अप कर लेते हैं जब 2 साल में? 2 साल में अगर कहेंगे तो जो 25 लाख का घर है ना वो हम अपना 28-29 लाख में दे देते हैं। 2-3 लाख प्लस होता है, 2-3 लाख फिर तो नाजिन कोई बात नहीं है। ये वो फिर हम उसको 50% पे कब्जा दे देते हैं, उसको घर की चाबी दे देते हैं, वो अपने घर में रह के हमें किस्त वगैरह देता रहता है जी। बिल्कुल। अच्छा बोस, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, कभी किसी ने आपको डिस्टर्ब किया? क्योंकि आप सॉफ्ट माइंड अगर बंदे हैं तो आप तो कहेंगे 2 साल के इंस्टॉलमेंट पे लें, तो इन 2 सालों के दौरान किसी ने तंग आपको किया तो आपका जेन सख्त हो गया कि यार मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं देना? मुझे आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। और मेरा इंशाल्लाह ताला जिन बंदों ने मुझसे घर लिए हैं वो मुझे दुआ देते हैं और मुझे अपनी शादी ब्याह में भी बुलाते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत मेरा बन जाता है। और वो क्योंकि मेरा मटीरियल अच्छा होता है और मुझे जो है ना यही कहते हैं कि आपने हम चीज़ अच्छी दे दी बना के, तो मैं कभी अपना मटेरियल पे कंप्रोमाइज नहीं किया जी। मैं अच्छा से अच्छा लगाता हूँ, जैसे अपने घर के लिए बनाता हूँ वैसे ही मैं ये बनाता हूँ दूसरों के लिए। इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन जब आपसे घर लेंगे तो वो हमें बताएंगे। हर शख्स अपनी चीज़ जो सेल करता है वो तारीफ जरूर करता है, लेकिन नाज़रीन आप चेक करने के लिए जरूर हाजिर हों, घर की भी विजिट हम आपको कराएंगे। अलगत भाई ये बताएं कि आप सिर्फ काने के एरिए में घर बना कर देते हैं या कहीं और भी, जैसे कोई सेंट्रल पार्क है जैसे बहरिया नशे, माने ऐसे और भी एज अ बिल्डर कोई आपसे काम करवाना चाहे तो आप उनको अपनी खिदमत पेश करें? अगर कोई काम करवाना चाहे तो मैं काम करने के लिए उनके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं घर इसी एरिया में बनाता हूँ काने के एरिया में। हाँ जी, मैं इधर ही काम करता हूँ। वैसे लोगों का अगर है तो मैं अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को अगर कहें मुझे बनाने के लिए मैं उनके लिए घर बना देता हूँ। तो लाजमी जी नाज़रीन जितने लोग हमें देख रहे हैं चेक जरूर करें, क्योंकि हर शख्स जो भी बैठा अपनी खिदमत लेके बैठा आप लोगों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए। आप एक दफ़ा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। कोई रब्ता अगर आप करते हैं हाई साहब आपसे तामन करने को तैयार। सर कोई अच्छा सा मैसेज दें, पैगाम दें आवाम जी। मैं तो ये पैगाम देता हूँ आवाम के लिए, चोर बाजारी से बचें कि लोग जो बुकिंग कर लेते हैं बाद में 2-2 साल 4-4 साल नहीं देते घर। मैं हम तो ये कहते हैं 1,50,000 का फर्क होता है, तो पहले आप घर बना बनाया चेक करके लें, मटेरियल चेक कर लें, घर चेक कर लें, उसके बाद उसको ले लें। और अगर आप कहते हैं बुकिंग की, बुकिंग में लोग जो है ना फ्रॉड कर जाते हैं, मटेरियल नाकस लगा जाते हैं, बंदा मजबूर हो जाता फंस जाता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ अपने देख के लें। और ये जो बुकिंग वाले बैठे हैं ये 10 घर बनाते हैं, 100 घर की बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो उनको नहीं मिलते, लोग बेचारे फाइनल लेके धक्के खाते फिरते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर किसी के पास कुछ अमाउंट है तो वो बने बनाए घर तैयार करके ले लें ताकि उनके जहनी सुकून तो हो जाए, अपने घर में बैठ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जिसने करना वो अपने घर पहले देख के वो काम करें। अच्छा हाई साहब आपसे एक और सवाल करेंगे, क्योंकि बातों का सिलसिला जारी है और आवाम हमें देख रही है, आवाम से ही उनकी सहूलत के लिए हम सवाल करेंगे। सर आप
जो घर बना कर देते हैं, आपने बताया डबल स्टोरी होता है, ये भी बताएं कि किस हद तक आप उसको तैयार करके देते हैं, क्या घर की चाबी तक, या आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर देते हैं, या टाइलिंग पत्थर ये वो हर चीज़ उसमें एग्री करके रेडी करके देते हैं आप? मैं सर उसके चाबी देता हूँ बमा रंग करवा के। अच्छा, यानी मुकम्मल तैयार करवा के, फेसिंग भी जी सर, सारी चीज़ बाथरूम की, किचन की, फर्श की, सारी मुकम्मल तैयारी करके चाबी देता हूँ। दूसरा बंदा आए, अपना सामान रखे और रिहायश शुरू कर दे, उसके लिए बिजली वगैरह को, गैस का, बिजली का मटेरियल का काम ना रहे। अच्छा, गैस बिजली के मीटर भी लगवा देते हैं पहले? मीटर यहाँ पर गैस नहीं है इस सोसाइटी में, लेकिन इसमें मीटर, वो जो बिजली का मीटर, वो लगवा देते हैं। सही। ले जी नाज़रीन, हम घर का भी विजिट आपको जल्दी ही कराएंगे। अभी हमने आपको बातचीत आपके साथ की और नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें, ताकि अगर ख्वाहिशमंद हजरात जितने भी हैं वो ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए अपने घर को यहाँ से अवेल करें। तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहते हैं सर, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।